Hello friends, I am Richa. Welcome to my channel Maths with Richa. Today we are going to solve an exercise 1.2 of class 8 chapter 1 rational number. Before solve this exercise, we will discuss some introductory part to solve this exercise. देखिए हमारे पास two topic हैं इस exercise को solve करने के लिए हम two वो जो basic information है पहले उसको पढ़ेंगे उसके बाद इस exercise को हम solve करेंगे. देखिए first क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. कोई भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं. अब हम रैशनल नंबर सीखेंगे. देखिए सपोज आपको प्लॉट करना है 3y5 नंबर लाइन पर. ये आपकी एक नंबर लाइन है, ठीक है. ये 0 है और ये आपका 1 है और ये आपका 2 है. ऐसे इधर ये -1 है और ये माइनस का 2 है. देखिए सबसे पहले 3y5, जो 3y5 है वो आपको ये देखना है कि इन दो नंबरों के बीच में लाई करता है. 3/5, 3/5 1 से छोटा है यानी कि ये 0 और एक पॉजिटिव नंबर भी है तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है. अब देखिए 5 हम जो भी डिनोमिनेटर में होता है सबसे पहले हमें ये चेक करना है किन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा. फिर उसके बाद जो भी डिनोमिनेटर में होता है उस नंबर को हम उतने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. ऐसे ही 5 है तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड करिए, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5 ये वाला, ठीक है, जो 1 वाला नंबर है. 1, 2, 3, 4, 5 ओके. अब देखिए आपका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है आपका 3, 1, 2, 3 यानी कि ये आपका 3y5 प्लॉट हो गया, ठीक है. अब यही आपका नंबर मान लीजिए 7y5 होता. 7y5 ये 1 से बड़ा है, बिल्कुल 1 से बड़ा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं. 1, 5 एंड 2 यानी कि 5 बन जाए 5, 5 एंड 2, 7 होता है, ठीक है. मिक्स फ्रैक्शन में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है. इसको सबसे पहले कन्वर्ट करिए, फिर उसके बाद ये देखिए 1 है ना, तो इसका मतलब ये 1 से बड़ा है, ठीक है. 1 से बड़ा इसका मतलब 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा. और फिर इसको 5 पार्ट में डिवाइड करिए, 1, 2, 3, 4, 5 ओके. फिर उसके बाद देखिए ऊपर कितना है, 2, 1 एंड 2 यानी कि ये वाला नंबर क्या है, 7y5 आपका, ठीक है. जब भी आपका इस टाइप का फ्रैक्शन हो तो आप उसको पहले मिक्स में कन्वर्ट करिए, और अगर आपका इस टाइप का फ्रैक्शन है तो उसको आप डायरेक्ट करिए, ठीक है. इस तरीके से हम नंबर लाइन को इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं. बाकी क्या हम एक्सरसाइज के सम करेंगे तो उससे आप और समझ जाएंगे. एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर. हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर के बीच में. अब जैसे मैंने पूछा कि कितने रैशनल नंबर होते हैं टू रैशनल नंबर के बीच में, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 2 होते हैं, 3 होते हैं. अब जैसे मैंने नेचुरल नंबर में पूछा कि जैसे कि 2 एंड 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, ठीक है. हाउ मैनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 5, तो आप क्या बोलेंगे, 3 एंड 4, दैट इज़ योर आंसर. बट इफ़ आई आस्क रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके, नॉट डिफाइंड, बिल्कुल इनफाइनाइट होते हैं. उसमें हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने होते हैं. हम सिर्फ हाउ एनी 3, एनी 4, एनी 10, एनी 100 हम ओनली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बस इतने ही होते हैं, ठीक है. होते तो बहुत सारे हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2y5 ठीक है एंड 6y5, इन दोनों के बीच में बताइए कितने रैशनल नंबर हैं. तो इन दोनों के बीच में देखिए आप 3y5 भी लिख सकते हैं, 4y5 भी लिख सकते हैं, 5y5 भी लिख सकते हैं, है ना. और आप और बढ़ा के भी ले सकते हैं. ये तो मैंने बता दिए नॉर्मली 3y5, 4y5, 5x5, है ना. अब देखिए
टू अपॉन फाइव है, ऊपर भी टेन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी टेन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसमें भी ऊपर भी टेन का, नीचे भी टेन का, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ट्वेंटी न्यूमरेटर में, फिफ्टी डिनोमिनेटर में, सिक्सटी न्यूमरेटर में, फिफ्टी डिनोमिनेटर। अब देखिए, 21y50, 22y50, 23y50 एंड सो ऑन, यानी कि 59y50 तक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप 100 का भी कर सकते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं रैशनल नंबर बिटवीन डी टू रैशनल नंबर, ठीक है। आप ये तो सेम हो गया आपका डिनोमिनेटर, अगर आपका सेम नहीं हो तो 2y3, ठीक है, एंड इधर 4y3, सॉरी ये तो सेम ही हो गया, 2y3 एंड 5/4 सेम, ये दोनों सेम नहीं है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले सेम बनाते हैं। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 4 का, इधर इसमें 3 का है एंड इसमें 3 का, तो कितना हो जाएगा 8y12 हो जाएगा 15y12, ठीक है। ऐसे हम पहले न्यूमरेटर्स वो सॉरी डिनोमिनेटर सेम करते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे हम, तो उससे आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 1.2, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए, सबसे पहले 7/4, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व करिए पहले, इसको क्या आ जाएगा आपका, आपने सीखा होगा, देखिए मैं एक बार बता देती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत से बच्चों को आई थिंक नहीं पता हो। 4 1 4, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। उसका मतलब 3 आपका ऊपर आ जाएगा, 4 तो नीचे है ही, एंड जो कोसेंट है वो आपका इधर आ जाता है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पर, यानी कि ये क्या है, 1 से ग्रेटर है, ये 0 हो गया आपका, ये 1 हो गया आपका, एंड ये 2, इधर भी -1 एंड माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए, 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर यानी कि 1 एंड 2 के बीच में लाइक करेगा, ठीक है। एंड 3y4, 4 है डिनोमिनेटर तो 4 पार्ट में डिवाइड करिए, 1 2 3 एंड ये आपका 4, ठीक है। ऊपर क्या न्यूमरेटर में 3, 1 2 1 2 3, यानी कि ये यहाँ पर प्लॉट होगा 7/4, ओके। अब सेकंड क्या है, माइनस का 5/6, इसी नंबर लाइन पे हम इसको प्लॉट करते हैं, माइनस का 5/6। सबसे पहले देखिए किस किन दो नंबरों के बीच में ये लाई करता है, ये 1 से छोटा है ना, और तो ये 1 मतलब माइनस का 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, ओके। अब देखिए, माइनस का 1 और 0 के बीच में कितना कॉलम बनाने हैं हमें, 6, 1 2 3 4 5, ये लास्ट वाला 6, ऊपर कितना है 5, 1 2 3 4 5, ये वाला, यानी कि माइनस का 5/6 यहाँ पर प्लॉट होगा, अंडरस्टूड। देखिए, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। ये स्मॉलर देन 2 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। अब देखिए, इसमें पर्टिकुलर कोई आंसर नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा 1 भी होता है, 2 से छोटा 0 भी होता है, 2 से छोटा माइनस का 1 भी होता है, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस में तो कितना भी नंबर होगा बड़े से बड़ा भी, वो भी 2 से छोटा ही होगा, ठीक है। और ये हम इनको रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, मैंने बताया था ना ये सब रैशनल नंबर होते हैं। 1 भी आपका रैशनल, क्यों, क्योंकि हम 1 को 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो आपका क्या होगा 2 से छोटा, आपका 1 होगा, ठीक है, 0 भी होगा माइनस, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, माइनस 1 भी होगा, माइनस का 2 भी होगा, है ना, 1 2 3 4, और माइनस का 1/2 भी होगा, ठीक है, और 1/2 भी होगा, पॉजिटिव भी, कुछ भी ले सकते हैं, नॉट पर्टिकुलर कोई आंसर नहीं है इसका, जो आपका मन करे वो, बट आपका 2 से छोटा होना चाहिए और रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन माइनस का 2/5 एंड 1/2। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 2y5, ठीक है, एंड 1y2। सबसे पहले आप इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, माइनस का 2y5 एंड 1/2, इधर क्या करिए आप 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर
फाइव का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस का 4y 10, ये हो जाएगा 5y 10। तो देखिए माइनस का 4 है तो माइनस का 3y 10, माइनस का 2y 10, माइनस का 1y 10, तीन नंबर हो गए, फिर 0, 1y 10, 2y 10, 3y 10 एंड 4y 10, हमारे 8 नंबर बैठ रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने, 10 रैशनल नंबर। तो आप और मल्टीप्लाई करिए, देखिए अब मैं इसी में 2 का करती हूँ, 2 का इसमें, 2 का इसमें, इधर भी 2 का करना पड़ेगा सेम डिनोमिनेटर करने के लिए। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8y 20, ये हो जाएगा 10y 20। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या आता है, माइनस का 7y 20, माइनस का 8 और प्लस के 10 के बीच में माइनस का 6y 20, माइनस का 5y 20, माइनस का 4y 20, माइनस का 3y 20, माइनस का 2y 20, माइनस का 1y 20, 0, प्लस का 1y 20। आते तो बहुत है पर आपको कितने चाहिए, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, ठीक है। माइनस का 8 एंड 10y, माइनस का 8y 20 एंड इधर क्या है आपका 10y 20, ठीक है, इससे बड़ा एंड इससे छोटा, ठीक है। 10 पूछे थे, ये आपके 10 हो गए, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2y 3 एंड 4y 5। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है इसको भी आपको। देखिए 2y 3 दिख रहा है, 2y 3, 4y 5। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो देखिए यहाँ या तो ऐसा करिए, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 बताना है ना आपको, 5 रैशनल नंबर, कोई टेंशन नहीं, किसी का भी कर दीजिए। ये 30 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 6 का करना पड़ेगा, है ना, 20y 30, 24y 30, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना है, 21 22 23, तीन ही है लेकिन बताने कितने, 5। चलिए और आगे बढ़िए, अब 2 का कर दीजिए, ये आपको अपनी ही मर्जी से करना है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब कितना आएगा, 41 42 43 44 45 46 47, 7 आ गए, लेकिन पूछे कितने, 5 पूछे हैं, ठीक है। 41y 60 42y 60, 43y 60, 44y 60, 1 2 3 4 एंड 45y 60, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, या 2y 3 एंड 4y 5 के बीच में, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें भी कुछ पार्ट लिए हैं, इसमें आई थिंक 2 पार्ट थे, मैंने 1 पार्ट लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्किप किया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल 1 की तरह है, वो आप खुद से सॉल्व करिएगा। और क्वेश्चन 3 करा दिया, 4 करा दिया, 5 करा दिया, आई थिंक 6 एंड 7 आपके बचे हुए हैं, वो आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।